नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप खंतवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेमों का ये ब्लिंकिंग टारगेट दिखाने जा रहा हूँ। ये टारगेट कैसा दिखता है, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्या खासियत हैं और इस पैक के साथ हमें और क्या क्या मिल रहा है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे मैंने इसको पहले ही खोल लिया है, पैक को पैकिंग खोल ली है। ये देखिए, ये सबसे बाहर की पैकिंग थी जिसमें कुरियर की डिटेल्स हैं, तो इसको साइड में रख देते हैं। और फिर इसके साथ ये अंदर, ये इस तरह से इसके अंदर आया था। फॉर्म की कोटिंग है बहुत ही अच्छी, ये भी मैंने इसको खोल लिया है पहले ही, तो पैकिंग तो बहुत बढ़िया आई है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो अपना टारगेट है, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी बढ़िया पैकिंग के साथ आया है। आप शायद देख पा रहे होंगे, ये सील बंद है चारों तरफ से, बहुत ही बढ़िया पैकिंग और काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है। और मैंने इसको यहाँ से काट लिया है, तो अभी इसको हम बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो जो इसमें दिया गया है, ये देखिए गेमों का ब्रांडिंग है यहाँ पर, और ये है ब्लिंकिंग एयर गन पैलेट टारगेट। इसमें इसके बारे में कुछ विशेषताएं, इसकी कुछ खासियत दी गई हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। कोरिजन रेजिस्टेंट पाउडर कोटिंग, मतलब ये है कि इस पर इस तरह की कोटिंग की गई है कि इस पर जंग नहीं लग सकता है। दूसरा है ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन, तो ये कंपनी कह रही है कि गेमो बोल रहा है कि भाई ये ड्यूरेबल है, तो वो तो हम अभी देखेंगे खोलकर कैसी क्वालिटी है इसकी। बैलेंस्ड रीसेटिंग टारगेट है, तो मेन पर्पज इसको मेरा जो मंगाने का पर्पज भी यही है। देखिए, ये रीसेटिंग टारगेट से मतलब है कि इसको हमें, जैसे कि पेपर टारगेट होते हैं, 5-10 शॉट के बाद हमें दोबारा पेपर टारगेट सेट करना पड़ता है, या कोई और टारगेट हैं, प्लिंकिंग टारगेट हैं, जैसे हम बोतल या कोई और चीज़ों को टारगेट करते हैं, शूट करते हैं, तो वो बार बार हमें टारगेट को सेट करना पड़ता है, दूसरे टारगेट लगाना पड़ता है। इसमें आप नॉन स्टॉप लगातार घंटों तक ब्लिंकिंग शूटिंग कर सकते हैं, टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये अपने आप रीसेट हो जाता है। फिर है, इसके साथ आए हैं शूटिंग बलून्स इंक्लूडेड, ये शायद यहाँ पर हैं, अभी इन्हें खोल कर देखेंगे। कुछ शूटिंग बलून्स दिए होंगे इसमें, और 12 ऑरेंज बुलसाई स्टिकर इंक्लूडेड, और 12 इसमें इस तरह के शायद बुलसाई स्टिकर दिए हुए हैं, वो भी अभी देखते हैं कहाँ पर हैं, खोल के देखेंगे इसको पैक को। दोस्तों, साथ में इसमें कुछ वार्निंग भी दी गई हैं, ये मैंने पहले पढ़ ली हैं, तो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ शॉर्ट में। इसमें बताया गया है कि अपने को हमेशा ग्लास पहन के रखना है, प्रोटेक्टिंग ग्लास पहन के रखना है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और दूसरा ये भी है कि ये बताया गया है कि ये जो टारगेट हैं, ये सिर्फ लेड जो अपने पैलेट्स होते हैं, एयरगन पैलेट्स, उन्हीं के लिए बनाया गया है। इसमें हम बीबीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको, जो बीबी गन होती हैं और बीबी इसको इस पर शूट करते हैं, तो वो हो सकता है कि इससे नॉक करके टकरा कर दोबारा वापस आके आँख को डैमेज कर सकता है। कहने का मतलब, जो बीबी बॉल हैं वो हमारी आई बॉल का कबाड़ा कर सकती हैं, इसलिए सिर्फ हमें इसमें पैलेट्स का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये भी है कि इस टारगेट के पीछे का जो एरिया है, अगर हम मिस कर देते हैं टारगेट को, तो कोई पीछे ऐसी सपोर्ट रखनी है कि पैलेट फ्री कहीं ऐसी जगह ना जाए कि कोई नुकसान हो, तो पीछे इसके कुछ इस तरह से कवर कर देंगे, जैसे हम दीवार के आगे रख सकते हैं इसको, या पीछे कोई लकड़ी का या प्लाई बोर्ड रख सकते हैं, जिससे पैलेट अगर हमारा मिस होता है, शूट टारगेट शूट नहीं होता है, तो वो सेफ रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए इसको खोलते हैं, क्या क्या है इसके साथ। ये मैंने ऊपर से काट लिया है, इसको खोल के निकालते हैं। तो ये है इसका एक कार्डबोर्ड दिया हुआ है जिसमें इसकी ये जानकारी दी है। देखो दोस्तों, ये इस तरह से कुछ दिखता है, तो इसको देखते हैं क्या है, साइड में रख देते हैं इसे। तो ये है अपना, ये देखिए, इसको बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से दिखता है और शायद इस तरह से काम करता है।
तो बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते होंगे, काफ़ी हैवी मेटल का बना हुआ है, आप शायद देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मजबूत। ये आगे इस तरह से दिए हुए हैं, आप इस टारगेट को कहीं पर भी खुले में अपने बैकयार्ड में, कहीं मिट्टी है उसमें इसको इस तरह से लगा के, अंदर डाल के मिट्टी में, फिर लगातार शूट कर सकते हैं, या कहीं और भी इसको सेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे बैकयार्ड में जगह नहीं है तो मैं इसको छत पर एडजस्ट करूँगा। देखिए, कोशिश शायद मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं लकड़ी के इस ब्लॉक के ऊपर इसको सेट कर दूंगा। इसकी भी मैं ये कैसे, अब ये दावे कर रही है कंपनी जो गैमो, ये टारगेट उस तरह से काम करता भी है कि नहीं, ये इसके लिए हम इसमें शूटिंग भी करके देखेंगे। और चलो इसको साइड में रख देते हैं, बाकी ये देखते हैं ये क्या है साथ में। ये बैलून्स हैं जो शूटिंग बैलून दिए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं, इसमें चार पांच बैलून हैं, ज़्यादा नहीं है, और शायद उन्हें बांधने के लिए धागा दिया गया है, थ्रेड है। और अच्छा, ये हैं बुलसाई, ऑरेंज कलर के स्टिकर हैं, 12 हैं। और ये बाकी शायद वही मैनुअल वगैरह और वही डिटेल हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए आगे शूटिंग करके देखते हैं ये कैसे काम करता है।